बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेंड अप रिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर 2021 का सेंड अप है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का। तो इसके सेंड अप को हम रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेयर रिसेप्टर। स्पेयर रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फिर इसके अलावा वो पूछ रहे हैं कि वो कौन सा फिनोमिना जो स्पेयर रिसेप्टर को कंट्रीब्यूट करता है, फिर स्पेयर रिसेप्टर की क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है। जो स्पेयर रिसेप्टर्स होते हैं, हम जनरल फार्माकोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। तो जनरल फार्माकोलॉजी की तरफ आ जाते हैं, फार्माकोडायनेमिक वाला चैप्टर है, तो यहाँ पे आपको स्पेयर रिसेप्टर मिल जाएगा। तो जो स्पेयर रिसेप्टर होते हैं, ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो ड्रग को बाइंड नहीं करते जब ड्रग की कंसंट्रेशन इतनी सफिशेंट होती है कि वो ई मैक्स करवा सके। तो स्पेयर रिसेप्टर की डेफिनेशन क्या होगी? इफ द मैक्सिमम ड्रग रिस्पॉन्स, यानी जो ई मैक्स होता है वो बी मैक्स से कम हो जाए, यानी बी मैक्स अगर ई मैक्स से ज्यादा हो जाए या के डी ई सी 50 से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं स्पेयर रिसेप्टर। अब स्पेयर रिसेप्टर के अंदर दो मैकेनिज्म होते हैं। पहला ये है कि जो ड्यूरेशन ऑफ इफेक्टर एक्टिवेशन होती है वो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के ड्यूरेशन से रिलेटिवली ज्यादा होती है, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं वो नंबर ऑफ से ज्यादा हो जाते हैं। इस केस में स्पेयर रिसेप्टर एग्जिस्ट करते हैं। स्पेयर रिसेप्टर का मतलब है कि तकरीबन अभी 100 रिसेप्टर थे, दो रिसेप्टर अभी खाली पड़े हुए हैं, 98 अकुपाई हो गया है। लेकिन जब 98 अकुपाई हो गया है तब ही आपको ई मैक्स मिल गई है, तो जो दो खाली रिसेप्टर बच गए थे तो उनको स्पेयर रिसेप्टर बोलते हैं। जो स्पेयर रिसेप्टर है वो एगोनिस्ट के लिए सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो ड्रग रिस्पॉन्स होती है वो डिपेंड करते हैं कि ड्रग और रिसेप्टर का इंटरेक्शन कितना होगा, और जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रिसेप्टर अवेलेबल। ओके, ठीक हो गया। तो ये स्पेयर रिसेप्टर का हमने कॉन्सेप्ट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक आपको सही तरह नजर नहीं आ रहा होगा, चलो मैं आपको यहाँ से पढ़ के बता देता हूँ। इनुमरेट वेल एस्टेब्लिश सेकंड मैसेंजर एंड गिव इन फ्लो चार्ट द साइक्लिक केएमपी सेकंड मैसेंजर सिस्टम है। तो इसी चैप्टर में से दोनों पार्ट्स आए हुए हैं, फार्माकोडायनेमिक्स वाले से फार्मा रिसेप्टर आ गया था, फिर अब यहाँ से रिसेप्टर रेगुलेशन आ गया। ओके, तो आपको पता है कि जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म होते हैं वो आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम में आपको 5 सिग्नलिंग मैकेनिज्म नजर आ रहे होंगे। तो पहला आपको नजर आ रहा होगा इंट्रासेलुलर या स्टीरॉइड लाइक रिसेप्टर है। दूसरा मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर इफेक्टर एंजाइम है, यानी जो इनका इंट्रासेलुलर डोमेन है उसी के पास एंजाइम एक्टिविटी होती है। जबकि तीसरा है मेम्ब्रेन रिसेप्टर, जिनके इंट्रासेलुलर डोमेन के ऊपर कोई ना कोई एंजाइम लगा होगा, कोई एंजाइम एक्टिविटी नहीं होगी। चौथा लाइगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं, ओके, या मेम्ब्रेन मॉड्यूलेटेड आयन चैनल होती है। लास्ट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो आपने इन रिसेप्टर का बता देना है, ठीक हो गया। ओके, और इनकी एटलीस्ट एक दो एग्जांपल भी आनी चाहिए। लाइक इस केस में जो एग्जांपल होती है वो किसकी होगी? स्टीरॉइड की है, विटामिन डी की है, नाइट्रिक ऑक्साइड की है। ओके, ठीक हो गया। और जो इफेक्टर मॉलिक्यूल और रिसेप्टर का पार्ट भी हो सकता है या सेपरेट भी हो सकता है। इसके बाद मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर है। तो मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर के अंदर इंसुलिन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ओके, जो इंट्रासेलुलर डोमेन के ऊपर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को बढ़ा देती है। इसके बाद नंबर 3 है जिनके पास इंट्रासेलुलर डोमेन के ऊपर जैक लगा होगा जो आगे स्टार्ट एक्टिवेट करेगा, तो ये साइटोकाइन का रिसेप्टर होता है। इसके बाद आयन चैनल है, जो आयन चैनल्स होते हैं लाइक सोडियम पोटेशियम आयन चैनल है, फॉर एग्जांपल बेंजोडाइजमीन है, बारबिट्यूरेट है, गाबा का मॉड्यूलेट करते हैं, सिंपैथोमिमेटिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल का मॉड्यूलेट करते हैं, दूसरे ड्रग वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल को मॉड्यूलेट करती है। इसके बाद जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, इसमें 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स होती है। ओके, जब लाइगेंड बाइंड करेगा तो जो जी प्रोटीन है वो आगे क्या होगी, उसका अल्फा सबिनोड रिलीज हो जाएगा, साइक्लिक केएमपी को एक्टिवेट करेगा, सॉरी एडिनालाइल साइक्लेज को या फॉस्फोलाइपेज को, और आपको साइक्लिक केएमपी IP3 और डैक के फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। अब हम चलते हैं, इसके अलावा वो साइक्लिक केएमपी वाला मैकेनिज्म पूछ रहा है, तो आप साइक्लिक केएमपी वाला मैकेनिज्म ड्रा कर लेना या फिर आप इसको लिपन कोड से डिटेल से हम देख सकते हो। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द क्लिनिकल यूजेस ऑफ सिंपैथोमिमेटिक विद वन एग्जांपल ऑफ ड्रग फॉर ईच यूज। क्या आपने सिंपैथोमिमेटिक के क्लिनिकल यूज बताने हैं? तो चलते हैं हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी के अंदर। तो सिंपैथोमिमेटिक के पहला यूज होगा एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस के अंदर एपिनेफ्रिन यूज होता है। दूसरा होता है सीएनएस। सीएनएस में नार्कोलेप्सी को ट्रीट करने के लिए एम्फेटामिन यूज करते हैं। इसके अलावा एम्फेटामिन वेट को रिड्यूस करने के लिए ओबेसिटी वाले पेशेंट के अंदर दिया जाता है। और लास्ट है फिर एम्फेटामिन होता है, एक और कंडीशन के लिए भी होता है, टेंशन डेफिसिट हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर। टेंशन डेफिसिट हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर के अंदर एम्फेटामिन है, मेथामफेटामिन और मेथाइलफेनिडेट भी यूज होती है। जो कोकेन है वो मूड को बढ़ा देती है, कोकेन लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल होती है। जो इफेड्रीन है वो भी नार्कोलेप्सी के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा पोस्टुरल हाइपोटेंशन है, एंड्यूरेसिस है। अगर एम्फेटामिन से कंपेयर करते हो तो एडिक्शन लाइबिलिटी रिलेटिवली कम होती है। आइज के ऊपर
अगर कंजक्टिवल इचिंग होती है, कंजेशन होती है इरिटेशन या एलर्जी की वजह से, तो फिनालेफ्रिन और टेट्राहाइड्रोजोलिन यूज़ करते हैं जो कि अल्फा वन एगोनिस्ट होते हैं। अल्फा टू एगोनिस्ट लाइक एप्राक्लोनिडिन, ब्रिमोनिडिन ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्रोंकाई के ऊपर आती है तो ब्रोंकाई के अंदर जो साबा होते हैं वो एक्यूट अस्थमा के लिए, और जो लाबा होते हैं वो क्रॉनिक या प्रोफाइलेक्सिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद सीवियस एप्लीकेशन है, सीवियस एप्लीकेशन के अंदर अगर एक्यूट हार्ट फेलियर है या शॉक है तो इस केस में हम क्या देंगे, हम शॉक में भी न्यूरोजेनिक शॉक में नॉरएपिनेफ्रिन होती है, कार्डियोजेनिक या सेप्टिक शॉक में नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और डोब्यूटामिन है। अगर आपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाना हो, ब्लड फ्लो को कम करना हो, लाइक हीमोस्टैटिक के अंदर एपिनेफ्रिन देते हैं या डीकंजेस्टेंट के अंदर फिनालेफ्रिन देते हैं, शॉक के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन और फिनालेफ्रिन देते हैं, ओरल इफेड्रिन और मिडोडरीन जो कि अल्फा वन एगोनिस्ट होता है वो देते होती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के अंदर। आगे जो कार्डिक अरेस्ट के केस में इंट्राकार्डिक इंजेक्शन देते हैं एपिनेफ्रिन का, जबकि आइसोप्रोटीनोल एवी ब्लॉक के अंदर देते हैं। जेनेटोहिलेरेट ट्राई के अंदर आते हैं तो फिर जो बीटा टू एगोनिस्ट है लाइक रिटोड्रिन, टर्बुटालिन होती है, और मैग्नीशियम है, एनसेड है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्री मच्योर लेबर को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है, और लास्ट में एन्यूरेसिस और यूरिनरी कॉन्टिनेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम इफेड्रिन देते हैं। तो हमने एक के बजाय चार पांच एग्जांपल दे दिए हर एक सेक्शन के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर की कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और इनकी रीजनिंग भी आप बताओ। अब जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एज इट इज यहाँ पे लिखी भी नहीं है, तो हम थोड़ा सा कैप्लॉन को यूज़ करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के लिए। ओके, तो अगर आप यहाँ पे आओगे खासतौर पर बीटा वन की अगर बात करते हैं और बीटा टू दोनों की बात कर लेते हैं, तो जो एस्थमा वाले पेशेंट के अंदर नहीं देते क्योंकि ब्रोंकोस्पैज़म करा देते हैं, वैसोस्पास्टिक वाले पेशेंट के नहीं देते, इसके अलावा इंसुलिन वाले पेशेंट हैं, डायबिटीज़ वाले हैं, इन पेशेंट के अंदर हम इसको नहीं दे सकते, कोई इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है बीटा ब्लॉकर की। और इनकी रीजनिंग भी आपको बता दी है कि एस्थमा के अंदर क्यों नहीं देते क्योंकि ब्रोंकोस्पैज़म को प्रेसिपिटेट कर देती है, एंजाइना के अंदर क्यों नहीं देते खासतौर पर वैसोस्पास्टिक एंजाइना में क्योंकि ये वैसोस्पास्म वगैरह करवा देते हैं, ग्लूकोमा के अंदर इसलिए नहीं देते क्योंकि एक्यूसीमर की प्रोडक्शन को क्या कर देती है ये, सॉरी ग्लूकोमा को तो ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डायबिटीज़ के अंदर इसलिए नहीं देते क्योंकि ये जो डायबिटीज़ के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया साइनोसिप्टम को क्या कर देते हैं ये मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये मैंने लिखी हुई है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर, ए से एस्थमा, बी से ब्लॉक एवी ब्लॉक, सी से एक्यूट हार्ट फेलियर और डी से डायबिटीज मेलिटस। तो ये चार कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, आप यहाँ से नोट कर लेना। ठीक हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या यहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन मिल जाएगी बीटा ब्लॉकर की, तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो टॉक्सिसिटी की तरफ आते हैं, तो टॉक्सिसिटी पहला ये लिखा हुआ है, यस पहला लिखा हुआ है पेशेंट विद एस्थमेटिक एयरवे डिजीज़, यानी उसके अंदर नहीं देंगे, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के में नहीं देंगे, एवी ब्लॉक वाले में नहीं देंगे, जो टॉक्सिसिटी है वो इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाएगी। इसके अलावा इंसुलिन के सिक्रेशन को रिड्यूस कर देती है, डायबिटीज मेलिटस वाले के पेशेंट के अंदर नहीं देते होते। ठीक हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू, नहीं थ्री, या थ्री की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है, अ पेशेंट कम्स टू यू विद अ हिस्ट्री ऑफ पासिंग स्टोन इन द यूरिन फ्रीक्वेंटली। ओके, ही हैज़ बीन डायग्नोस्ड एज अ केस ऑफ इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया, हाइपरकैल्सियूरिया को ट्रीट करने के लिए थायोजाइड डायूरेटिक देते हैं, और इनका फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वारफरिन है और ड्रग इंटरेक्शन पूछ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, फिर जो थायोजाइड डायूरेटिक होती है ये इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि लूप डायूरेटिक हाइपरकैल्सियूरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हम आ जाते हैं थायोजाइड डायूरेटिक की तरफ। तो थायोजाइड डायूरेटिक है उसमें हाइड्रोक्लोर थायोजाइड प्रोटोटाइप होता है और बाकी जो सारे मेंबर्स होते हैं वो सल्फोनामाइड मेंबर्स होते हैं। ठीक हो गया। ओके, जो इनका मेजर एक्शन है वो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर के ऊपर होता है, स्पेसिफिकली डिस्टल कवलेटेड ट्यूबल के अर्ली सेगमेंट के ऊपर, ओरल डोज से देते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 से लेकर 12 आवर तक होता है, फुल डोजेस के अंदर देते हैं, तो ये मॉडरेट बट सस्टेन्ड सोडियम और क्लोराइड डायूरेसिस करवाती है और हाइपोकलेमिक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो कि जब सोडियम कहने का मतलब जब सेल के अंदर नहीं आएगा, ओके, ट्यूबुलर सेल के अंदर नहीं आएगा जब सोडियम, तो फिर फाइनली क्या होगा, इंट्रासेलुलर सोडियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इंट्रासेलुलर सोडियम कम हो जाएगा तो वो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर चलाएगा, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो कि बाइकार्बोनेट के यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो कैल्शियम वापस इंटरस्टीशियम के अंदर चला जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और यहाँ पर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, फिर फाइनली कैल्शियम आराम से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। इन शॉर्ट कि ये यूरिन के अंदर कैल्शियम के कंटेंट को कम कर देती है। क्लिनिकल यूज़ की तरफ बात करते हैं तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, क्रॉनिक थेरेपी में लाइक एडिनोमेटस स्टेट है फॉर एग्जांपल माइल्ड हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और क्रॉनिक रीनल कैल्शियम स्टोर फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए भी थायोजाइड देते हैं क्योंकि कैल्शियम की यूरिन के अंदर कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं। थायोजाइड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। साइड इफेक्ट की तरफ आ जाते हैं, सोडियम डायूरेसिस होगा, हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा,
ओके, पोटेशियम की वेस्टिंग होगी, हाइपोकलीमिया हो जाएगा, हाइपोकलीमिक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस वगैरह हो जाएगी। ओके, डायबिटीज वाले पेशेंट में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, यूरिक एसिड के लेवल और लिपिड के लेवल बढ़ जाएगा। अगर लोब के साथ मिलाओगे तो ज़्यादा हाइपोवलीमिया और सीवियस कोलैप्स हो सकता है। थायरॉइड सल्फोनामाइड होते हैं और ये सल्फोनामाइड एनर्जी को शेयर करते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वो पूछ रहा है वारफरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और वारफरिन के ड्रग इंटरेक्शन को। ओके, तो हम आ जाते हैं वारफरिन वाले चैप्टर, वारफरिन वाला ब्लड कॉगुलेशन वाला चैप्टर है। ओके, तो जो वारफरिन है, वारफरिन और दूसरी कॉमरिन एंटी कॉगुलेंट समान लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होती है। और रूप से देते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। वारफरिन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन को ब्लॉक कर देती है, क्लॉटिंग फैक्टर को, स्पेसिफिकली विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। ये वो एंजाइम है जो विटामिन के एपोक्साइड को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, ठीक है, रिड्यूस विटामिन के में कन्वर्ट करता है। जो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं इसमें 2 के साथ 9-10 ये फैक्टर्स होते हैं। अब क्लॉटिंग फैक्टर की चूंकि हाफ लाइफ 8 से लेकर 60 आवर तक होती है प्लाज्मा के अंदर, तो जो एंटी कॉगुलेंट इफेक्ट है वो उस वक्त आएगा जब पहले से बने बनाए फैक्टर खत्म हो जाएंगे, न्यू फैक्टर बनाने की जरूरत होगी। जो वारफेरिन के एक्शन को रिवर्स करने के लिए विटामिन के हम दे सकते हैं, लेकिन जो रिकवरी होती है उसमें आपको न्यू नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस रिक्वायर होती है और रिकवरी काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। अगर आपने रैपिड रिवर्सल चाहिए तो रैपिड रिवर्सल के लिए फ्रेश और फ्रोजन प्लाज्मा जिसमें नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, वारफेरिन के एक्शन को मॉनिटर करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन हम यूज करते हैं। अब उसकी टॉक्सिसिटी को पूछ रहा है, ड्रग इंटरेक्शन को पूछ रहा है। तो जो ब्लीडिंग होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट होता है अर्ली इन द थेरेपी के अंदर, हाइपरकोएगुलेबिलिटी हो सकती है, डर्मल वैस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है क्योंकि प्रोटीन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, बोन डिफेक्ट हैमरेज करवा सकता है और प्रेगनेंसी के अंदर काउंटर इंडिकेटेड होता है। वारफेरिन का थेरोपेटिक इंडेक्स काफी ज्यादा नैरो होता है, ड्रग इंटरेक्शन होते हैं लाइक ओके कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर देती है लाइक कार्बामेज़ेपीन है, फेनिटोइन है, रिफैम्पिन है, बारबिट्यूरेट है, तो वो वारफेरिन की क्लियरेंस को बढ़ा देती है और इसके एंटी कोगुलेंट इफेक्ट को क्या कर देती है, कम कर देती है। जबकि P450 इनहिबिटर के अंदर इमिड्रियोन है, SSRI, सिमेटिडीन है, ये वारफेरिन की क्लियरेंस को कम कर देती है और इसके एंटी कोगुलेंट इफेक्ट को बढ़ा देती है। और इसको मेटाबोलाइज करने वाला जो एंजाइम होता है वो CYP450 2C9 और विटामिन की एपोक्साइड रिडक्टेस होता है। उसमें भी बहुत सारी वेरिएशन वगैरह होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है एज के साथ, बॉडी साइज के पास और कॉन्कॉमिटेंट मेडिकेशन के साथ। अगर ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है तो हम सेकंड जो ड्रग लेते हैं वो डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट होती है। जो डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट है उसमें डेबिग्लिट्रॉन है और रिवोक्सबान होती है। ओके, तो इनकी अगर वारफेरिन से कंपेयर करती है तो सिमिलर एंटीथ्रोम्बोटिक एफिकेसी होती है, और अगर कंपेयर करती है वारफेरिन से तो ब्लीडिंग रेट रिलेटिवली कम होता है। तो पहले दो एडवांटेजेस ये होगी, सेम एफिकेसी, लेस ब्लीडिंग रेट, तीसरा कि मॉनिटरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेस ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। लेकिन इनकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है, डैट मीन्स कि अगर पेशेंट अनकॉम्प्लायंस यानी दवाई को नहीं खाएगा तो जल्दी ही उसका एंटीकोगुलेंट इफेक्ट खत्म हो जाएगा, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। डैट इज़ वाई कि एक दिन में एक या दो मरतबा दी जाती है दवाइयाँ। ठीक हो गया, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वारफेरिन के हमने ड्रग इंटरेक्शन को भी स्टडी कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ 60-year-old आर्किटेक्ट कंप्लेन ऑफ लेफ्ट हैंड ट्रेमर एट रेस्ट, एग्जामिनेशन रिवील्स द क्लासिकल फाइंडिंग ऑफ पार्किंसन डिजीज, जिसमें रेस्टिंग ट्रेमर है, ब्रैडीकाइनेसिया है, रिजिडिटी है और गेट डिस्टर्बेंस होते हैं। व्हाट इज द फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज फॉर डोपामिनर्जिक थेरेपी फॉर दिस पेशेंट, एक्सप्लेन विद फ्लो चार्ट एंड गिव द क्लिनिकल यूजेस ऑफ डायजीपाम। ओके, तो हम आ जाते हैं अभी की तरफ। अब ये क्वेश्चन CNS फार्माकोलॉजी से आया हुआ है, तो एक इन्होंने पार्किंसन का पूछा है और दूसरा डायजीपाम क्लिनिकल यूजेस को पूछा है। ओके, तो पहले हम पार्किंसनिज्म की पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। जो पार्किंसनिज्म जिसको पैरालिसिस एजिटेंट कहते हैं, एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसके अंदर बेजल गैंगलिया का डिसफंक्शन हो जाएगा, साइनोसेप्टम के अंदर रिजिडिटी होती है, काइनेसिया होता है, फ्लैट फेसेस और ट्रेमर होते हैं, मेमोनिक होता है, RAFT रैफ्ट होता है। जो नेचुरली अकरिंग डिजीज है वो कब होता है, वो ये होता है कि सिन्यूक्लिन जीन या पार्किन जीन के अंदर म्यूटेशन होती है। फिर इसकी वजह से होगा क्या कि जो स्ट्राइटल डोपामीन है उसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और जो नाइग्रो स्ट्राइटल ट्रैक है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन न्यू स्ट्राइटम के अंदर वो मरना शुरू हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली स्ट्राइटल गार्बर्जिक न्यूरॉन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक हो गया, ओके, स्पेसिफिकली D2 वाले। इन शॉर्ट ये पार्किंसन के अंदर आपने करना क्या होगा, पार्किंसन के अंदर आपने डोपामिन की एक्टिविटी को बढ़ाना है, मस्कुलिनर्जिक एक्टिविटी को कम करना है, और आपने या फिर दोनों चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसका फ्लो चार्ट ये बना हुआ है,
ओके, तो ये पार्किंसनिज्म का है। पार्किंसनिज्म में सब्सटेंशिया नाइग्रा है, वो आगे स्ट्राइटम के ऊपर कुछ डोपामिन रिलीज करवाता है और एसिटाइल कोलिन आगे इसको स्टिमुलेट करवाता है। लेकिन जब डोपामिन वाला इनहिबिटर न्यूरॉन खत्म हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन वाले एक्साइटेटरी न्यूरॉन को ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने इस फ्लो चार्ट को बना लेना, ठीक हो गया। ओके, और ड्रग कौन कौन सी यूज़ होती है, लीवर डोपा होती है, कार्बी डोपा मिला के देते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट है जिसमें प्राइमिपेक्सोल है, रोपिनाडोल है, एपामॉर्फिन होती है, रोटीगोटिन है, ब्रोमोग्लिप्टिन है। ओके, इसके अलावा कुछ मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं, कैटेकोलमिथाइल ट्रांसफरेज है, एमेंटाडीन है, और लास्ट में एंटी मस्किनिक ड्रग्स होती है, ठीक है। अब हम इसके बाद चलते हैं डायजीपाम के क्लिनिकल यूजेस की तरफ। तो जो डायजीपाम होते हैं उसके क्या क्लिनिकल यूजेस होते हैं, तो पहली बात के यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कि जो सेडेटिव हिप्नोटिक है तो एनजाइटी के लिए तो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इंट्रावीनस एनेस्थीसिया के अंदर इस्तेमाल होती है, मसल रिलैक्सेंट वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ना है, स्पाजमोलिटिक के अंदर, स्पेसिफिकली क्रॉनिक स्पाजमोलिटिक के अंदर। स्टेटस एपिलेप्टिकस है और विड्रॉल स्टेट है स्पेसिफिकली फ्रॉम द अल्कोहल। तो तकरीबन कितने यूजेस हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 यूजेस इसके हैं। इसके अलावा जो इंट्रावीनस एनेस्थीसिया मिडाजोलाम में भी होता है, विड्रॉल स्टेट के लिए हम क्लोनडाइजोपॉक्साइड भी इस्तेमाल करते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए हम लोराजेपाम भी इस्तेमाल करते हैं। यानी जो इसके जो यूजेस है वो दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, क्योंकि क्लोनाजेपाम बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर इस्तेमाल होती है और इसके अलावा सीजर डिसऑर्डर के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते होते हैं। तो हमारा सीएनएस फार्माकोलॉजी से भी क्वेश्चन कवर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेल्थी 45 ईयर ओल्ड फिजिशियन अटेंडिंग अ रीयूनियन इन वेकेशन होटल डेवलप डिजीनेस रेडनेस ऑफ स्किन ओवर द हेड एंड चेस्ट टैकीकार्डिया व्हाइल ईटिंग। अ शॉर्ट टाइम लेटर अनदर फिजिशियन एट द टेबल डेवलप सिमिलर साइनो सिम्टम विथ मार्क्ड ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। मेन्यू के अंदर ग्रीन सैलड था, फिश थी, एप्पल थे, और जो डायग्नोसिस बनाया गया तो वो बनाया गया स्क्रोम्बॉइड सिंड्रोम का। तो कौन सी ड्रग होती है जो आप यूज़ करोगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पेशेंट। ओके, तो जो स्क्रोम्बॉइड सिंड्रोम होता है उसको हम हिस्टामिन फिश सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि जो एक मछली या पता नहीं कोई फिशेज होती है सी फूड, उसमें हिस्टामिन काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको लेने की वजह से जो सिंड्रोम होता है उसको स्क्रोम्बॉइड सिंड्रोम कहते हैं। तो वो आ जाते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स की तरफ। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि जो H1 एगोनिस्ट है वो हमने यूज़ करने होते हैं, सॉरी एंटागोनिस्ट यूज़ करने हैं, ठीक है। ओके, जिसमें डाइफिन हाइड्रामीन है, लोराटेडीन है, डिसलोराटेडीन है। अब दो मेजर क्लासेस होती है, यानी कुछ ओल्डर जनरेशन और न्यू जनरेशन होती है। ओके, जो ओल्डर के अंदर या फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, उसके अंदर डाइफिन हाइड्रामीन है, डायमिन हाइड्रिनेट है, प्रोमेथाजीन होती है, साइक्लेजीन है, मैक्लेजीन है, और क्लोरफिनालामीन होती है। जो प्रोमेथाजीन है इसके पास मोशन सिकनेस एक्टिविटी कम होती है, लेकिन सिडेटिव और ऑटोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटिवली ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, जबकि साइक्लेजिन और मिक्लेजिन इसके पास एंटी मोशन सिकनेस एक्टिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन सिडेटिव और ऑटोनॉमिक इफेक्ट रिलेटिवली कम होता है। जबकि क्लोरफेनामीन इसके पास कुछ भी नहीं होता, जबकि डायफिन हाइड्रामीन ये क्या करती क्या है, ये हिस्टामिन रिसेप्टर के अलावा अल्फा और मस्किनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। इसके पास एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट है, हे फीवर को, एंजियोडीमा को, मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पारेंटियली यूज करते हैं फॉर डिस्टोनिया। ओके, साइड इफेक्ट के अंदर सेडेशन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक है, ये सब चीज़ें हो सकती है। जबकि सिटारेजिन है ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, लेकिन ऑटोनॉमिक रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करती है, और एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट भी नहीं होता। इसमें फैक्सोफिनाडीन, लोराटेडीन, डेसलोराटेडीन है, हे फीवर और एंजियोडीमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि वो मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल होती है। ओवर द काउंटर ड्रग यूज़ होती है फॉर द स्लीप एड, और पारेंटिली यूज़ होती है फॉर द डिस्टोनिया। ओके, तो स्क्रोम्बाइड सिंड्रोम आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद वो पूछ रहे हैं, गिव डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन की डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी को बताओ। तो आपको पता है कि डिफरेंट डोज के ऊपर एस्पिरिन के डिफरेंट एक्शन होते हैं, वो ये नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्शन को पढ़ लेते हैं। ओके, तो पहला ये है कि 300 से नीचे वो एंटी प्लेटलेट होती है, 300 से लेकर 2400 तो एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक होती है, हाई डोजेस के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। टॉक्सिसिटी की तरफ आते हैं, तो द मोस्ट कॉमन एडवर्स टॉक्सिसिटी वो गैस्ट्रिक अपसेट होता है। क्रॉनिक यूज़ करेंगे तो गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो सकता है, पर जीआईटी ब्लीडिंग हो सकती है, रीनल इफेक्ट के अंदर एक्यूट रीनल फेलियर, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है, ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ सकता है, ठीक है। अब स्मॉल डोजेस की बात करते हैं, जब स्मॉल डोजेस के अंदर ली थी तो एस्पिरिन हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। ओके, जब डोज को बढ़ाया, हायर डोज है तो टीनाइटिस है, वर्टिगो है, हाइपर वेंटिलेशन होती है, और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाती है हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। जब डोज को मजीद बढ़ाया तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, हाइपरथर्मिया है, कोलैप्स है, कोमा और डेथ में चला गया। ऐसे बच्चे जिनको वायरल इन्फेक्शन है, स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंजा बी का और वायरसिला जोस्टर वायरस का, तो उनके अंदर राइस सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें हेपेटिक एन्सेफलोपैथी होती है, लीवर डीजनरेशन होती है। तो ये डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी को आप कंपेयर कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को इनुमरेट करो, और इसके अलावा
गिव देयर इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स है वो बताओ आप, फिर इसके बाद एस्थमा की थेरापी पूछ रही है। तो चलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वाली चैप्टर के अंदर। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के नाम सुनाओ पहले, तो इसमें ओमीपराजोल है, ओस्मापराजोल है, डेक्सलेंसोपराजोल है, पेंटोपराजोल और रेबीपराजोल होती है। लिपोफिलिक वीक बेसिस है, सबसे पहले पेराइटल सेल कैनालिकुलाई के अंदर डिफ्यूज करेगी, प्रोटोनेशन होगी, कंसनट्रेशन होगी, फिर ये एक्टिवेशन होगी, इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट करेगी हाइड्रोजन पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट को। तो ये ओरल फार्मुलेशन के अंदर अवेलेबल होती है, इंटायरी कोटिंग होती है, ताकि इनकी स्टोमिक के अंदर जो एसिडिक एनवायरमेंट है इनएक्टिवेशन ना हो सके। इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होगी और वापस मेटाबोलाइज होती है लीवर के अंदर, हाफ लाइफ 1 से लेकर 2 आवर्स तक होती है। अब हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने फार्माकोकाइनेटिक्स पूछा गया है। इसके बाद लास्ट है बट इसका टारगेटेड थेरापी हो क्रॉनिक सीवियर अस्थमा। तो क्रॉनिक सीवियर अस्थमा के लिए क्या टारगेटेड थेरापी होती है? ओके, तो हम चलते हैं अस्थमा वाले चैप्टर के अंदर। तो क्रॉनिक ये स्ट्रेटेजीज आपको नजर आ रहा होगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूट ब्रोंकोस्पैज़म है उसको ट्रीट करने के लिए बीटा टू एगोनिस्ट है, ब्रोंको डायलेशन देती है जिनको रिलीवर ड्रग कहते हैं, जो कि कंट्रोलर ड्रग होती है, लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के अंदर आती है। लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, लाबा होते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर देते हैं, एंटी आईजी एंटीबॉडीज होती है। तो हम क्रोनिक सीवियर अस्थमा की बातें कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो सीवियर रिफ्रैक्टरी क्रोनिक अस्थमा है, तो इसके लिए एक तो होगी प्रेडनिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करेंगे, और इसके अलावा सीवियर रिफ्रैक्टरी अस्थमा है उसकी प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम ओमैलिज़ुमाब देंगे। ठीक हो गया। ओके, और क्या क्या होगा यहाँ पर, और जो लॉन्ग एक्टिंग है, आई थिंक जो लॉन्ग एक्टिंग है वो भी इस्तेमाल होती है, जो लॉन्ग एक्टिंग होती है वह अस्थमा के प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल होती है, प्रिवेंशन के लिए। तो सीवियर क्रॉनिक अस्थमा के लिए हम कौन कौन से ड्रग यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं, हम स्टीरॉइड यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिकली प्रेडनिसोन है, एंटीबॉडी ओमैलिज़ुमाब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जबकि नॉकटर्नल अस्थमा के लिए हम मिथाइल जेंथिन वगैरह यूज़ करते हैं। तो और कौन सा होगा, एंटी मस्कुलिनिक ड्रग है वो भी हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रोनिक सीवियर अस्थमा वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये ड्रग्स हो जाएगी, आप इसको पढ़ लेना यहाँ से। तो तकरीबन यहाँ पर इस पेपर में मेरे पास इस पीडीएफ में तकरीबन 6 क्वेश्चन थे, और यहाँ पर लिखा हुआ PTO पेज टर्न ओवर, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पेज की पिक है। चलो हम 6 क्वेश्चन है इन्हीं को ही डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।